हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी एमबीपीएफ सीरीज मेंस बूस्टर प्रैक्टिस फाइल चल रही है हमारी आज उसका थर्ड सेशन है ठीक है द फर्स्ट टू सेशंस वी हैव कवर्ड लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड फंक्शंस ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए थे आज हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन तो आई होप तुम्हें फर्स्ट टू लेक्चर्स में मजा आया हो एंड uh, एक बार अगेन अ व्हाट आर वी गोइंग टू डू और व्हाट आर वी डूइंग इन दिस सीरीज जो लोग नए हैं उनके लिए सो वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैथ्स में जेई मेन्स ट्वेंटी में आ सकते हैं ठीक है और ये uh, एक सीरीज होगी जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं जेई मेन्स e. का मैथ्स का ठीक है वाई आई से दैट इट इज अ मस् डू फॉर जेई 2021 ट्वेंटी ट्वेंटी 95 प्लस परसेंटाइज ठीक है भाई अगर तुम्हारा टारगेट ऐसा कुछ है

टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो भी है सबके मटेरियल लेके उनके टेस्ट जेई के पास्ट ईयर पेपर्स सब का निचोड़ लेके जो खिचड़ी बनाई है उससे ये तैयार करें ठीक है तो उसमें फ्रेशनेस भी लगाई है प्लस प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस भी लगाया है इसीलिए इज है वेरी गुड कंपाइलेशन और ये तुम्हें डेफिनेटली सक्सेस दिलाएगा लेट्स गेट स्टार्टेड ओके

डिफरेंशिएट so बोथ sides ऑफ द गिवन इक्वेशन तो क्या कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएट बोथ sides ठीक है तो देखो वाई इंटूएक्स क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो y को कॉन्स्टेंट ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ठीक है फिर y का डेरिवेटिव वाई डैश और ई एक्स को कॉन्स्टेंट ई एक्स तो ऐसा फंक्शन है ना जो चेंज ही नहीं होता भले इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट अच्छा फिर कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव तुम्हें याद होगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर

Right? कितना है? पाई, पाई का जीरो? क्योंकि पाई तो है हो गया डिफरेंशिएशन का काम खत्म एक स्टेप और लिख लेते हैं जस्ट टू सिंप्लीफाइड प्लस और माइनस अच्छा यहां नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो यह आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर ठीक है मल्टीप्लाइड बाय इधर ऊपर देखो क्या आ रहा है वाई माइनस एक्स वाई डैश ठीक है और नीचे क्या आ रहा है वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना जीरो ठीक है इतना है इससे सिंपलीफाई करने की कोई जरूरत मुझे नहीं लग रही ठीक है अब मुझे क्या पूछा है उसने मुझे पूछा है 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 कि तब निकालो जब ठीक है. है? तो इसका मतलब इस इक्वेशन में, में मेरे को एक्स को क्या प्लग इन करना है जीरो लेकिन अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में अगर एक्स को जीरो रखोगे तो खाली एक्स को जीरो रखने से तुम्हारे पास वाई डैश नहीं आएगा कीप दैट इन माइंड ठीक है खाली एक्स को जीरो रखने से वाई डैश नहीं आ रहा है तुम्हारे पास ध्यान से देखो हाँ, x को जीरो तो रख दूंगा ठीक है लेकिन मेरे को y डैश चाहिए तो उसके लिए मुझे y भी चाहिए तो y कहां से आएगा तो डिफरेंशिएशन में हर स्टेप पे वैल्यू रखनी पड़ती है ताकि वो अगली स्टेप में यूज हो पाए तो ये वाली जो ओरिजिनल इक्वेशन थी तुम्हारी उसमें भी तुम्हें x को जीरो रखना पड़ेगा ताकि तुम y निकाल पाओ ठीक है सो प्लग इन एक्स इक्वल टू जीरो वट यू गेट यू गेट वाई इन टू ई की पार जीरो प्लस कॉट इनवर्स ऑफ जीरो राइट इज इक्वल टू पाई ये ठीक है राइट अब मेरे को वाई चाहिए तो वाई कितना हो गया भाई वाई हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स जीरो ना वॉट इज कॉट इनवर्स जीरो कहाँ पे जीरो होता है पाई बाई पे। तो पाई पाई बाई टू कितना आया? इसका वाई की वैल्यू हमें पाई बाई टू रखनी है तो यहां पे एक्स को जीरो और वाई को क्या रखोगे पाई बाय टू ठीक है रख दे चलो तो वाई को रखा मैंने पाई बाय टू ठीक है एक्स को मैंने रखा जीरो फिर वाई डैश तो मुझे निकालना है एक्स को मैंने रखा जीरो माइनस पे देखो ये वाई स्क्वायर तो कट चुका है माइनस एक्स इज जीरोड डिवाइडेड बाय फोर इज दैट ओके इज इक्वल टू जीरो आ गया भाई इतना यहां तक क्लियर हो गया बस अब इस इक्वेशन से वाई डैश निकालना दैट्स इट तो वाई डैश तो यहीं पे आ रहा है और कहीं आ ही नहीं रहा तो सारे टर्म्स को उधर भेज देते हैं तो यहां से मेरे पास वाई डैश इज इक्वल टू क्या e राइट सो right? so, इसको जब उधर भेजा तो उधर आ गया भाई ठीक है? ये उधर गया तो पाई बाय टू अपॉन पाई टर्म और ये वाला जब उधर गया तो माइनस पाई बाई टू ये भी ठीक है right. so, पाई, पाई गया एक और टू से ये टू गया तो ये टू ऊपर आ गया तो क्या बचा टू बाई पाई माइनस पाई बाय

एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब ये हमें है। और हमसे पूछ रहा है जी डैश एक्स मतलब हमसे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन पूछ रहा है हाँ तो अब इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है ठीक है जिससे हम एक स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं कभी भी अगर आपसे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन मांगा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ध्यान से समझना डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन अगर कभी भी मांगा है उसने ठीक है तो तुम क्या करोगे मतलब मैं यही नोटेशन ले रहा हूँ जी मेरा इनवर्स फंक्शन है एफ मेरा ओरिजिनल फंक्शन है तो देखो एक बार फटाफट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ तुमको पता है कि ऑफ किसके बराबर है इनवर्स ऑफ के राइट right? पे अगर मैं X की X की जगह जगह क्यों रहूं? ताकि इनवर्स हटे देखो यहाँ एफेक्स रखोगे तो एफ इनवर्स ऑफ एफेक्स विल बिकम एक्स तो आप एक्स की जगह एफेक्स रख दो अगर एक्स की जगह एफेक्स रखोगे तो ये बनेगा जी ऑफ एफेक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफेक्स बट वॉट इज एफ इनवर्स ऑफ एफेक्स इट इज एक्स

अब यहां से अगर मेरे को इस एफ को एक्स में बदलना है तो उल्टा काम कर लो भाई एक्स की जगह एफ इनवर्स रख दो एक्स की जगह एफ इनवर्स रखोगे तो ये एक्स बन जाएगा ठीक है तो अब मैंने एक्स की जगह क्या रखा एफ इनवर्स एक्स इज दैट ओके एंड नाउ इफ आई डू दैट तो यहां तो बचेगा जी डैश ऑफ एक्स और यहां आ जाएगा वन अपॉन एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड दिस इज वॉट वी यूज ये ही हमारी ट्रिक है क्या ट्रिक है मतलब मैं तो चालू ही यहां से करूंगा ये तो तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे सामने कभी भी डेरिवेटिव ऑफ ऑफ इनवर्स अ फंक्शन आएगा तुम सीधा यहां से चालू करना मतलब ट्रिक को समझो ध्यान से तुम्हारे को एफ दे रखा होगा तुम उसको डिफरेंशियट कर लेना उसको डिफरेंशियट करके उल्टा कर देना उल्टा वाला रेसिप्रोकल कर देना यहाँ पे कर रखा है ना वन बाई एफ डैश और फिर एक्स की जगह क्या डाल देना उस पूरे में एफ इनवर्स और याद रखो एफ इनवर्स जी है। मतलब तुम एक्स की जगह क्या रख रहे हो जी एक्स समझ आई मेरी बात दो स्टेप का प्रोसीजर है पहली स्टेप क्या किया एफ डैश को करके कर दिया मतलब कर दिया और फिर आसान काम हो गया मेरे को भी नहीं करना। उसने करके ही दे रखा है तो अब देखो अब अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे मुझे पता है कि अगर जी डैश एक्स निकालना है तो मेरे को इस एफ एक्स को क्या करना है उल्टा तो इसको तो मैं उल्टा कर दूंगा इसका उल्टा ये होगा एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब अपॉन एक क्यूब ये होगा इसका उल्टा ठीक है और उल्टा करने के बाद एक्स की जगह क्या डालना था जीएक्स एक्स की जगह जीएक्स डालना था तो देखो विल यू गेट दिस और नॉट प्लस ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब यह आपका आंसर है खत्म एक स्टेप का क्वेश्चन समझ में आई अब ये तो मैं इस तरीके से तो कई ऑप्शन में दिख नहीं रहा लेकिन अगर इसको अलग अलग कर लो इसको अलग और इसको अलग तो देखो जी एक्स अपॉन ए का होल क्यूब लिख सकते हैं इस पहले टर्म को और ए क्यूब बाई ए क्यूब को वन लिख सकते हैं जो कि कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन सो द द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री जे मेन्स ट्वेंटीन का क्वेश्चन है ठीक है और डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है तो मैंने तुम्हें कंटिन्यूटी में एक प्रोडक्ट फंक्शन का रूल बताया था बिल्कुल वही रूल डिफरेंशियबिलिटी में भी लगता है

राइट right? और वो बोल रहा है कि हमें वो सेट निकालना है हमें एस निकालना राइट right? और एस में क्या आ रहा है वो टी आ रहा है जिस पे ये ये नहीं है है इज नॉट एट मतलब हमें बेसिकली पता लगाना है कि ये फंक्शन कहां कहां पे कहाबल नहीं है और अब अगर तुम ऑप्शन पे नजर डालो तो ऑप्शन के हिसाब से तुम्हें खाली दो चीजें चेक करनी है जीरो और पाई दैट्स इट तुम्हें खाली जीरो और पाई चेक करना है जीरो और पाई पे डिफरेंशियबल है कि नहीं है अब डिफरेंशियबिलिटी तुमने पढ़ रखा है डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हो किसी भी फंक्शन तो नेचुरली एल एच डी निकालते आर एच डी निकालते दोनों बराबर आ जाएं और फाइनाइट आ जाएं तो हम बोलते हैं डिफ्रेंशियबल है यही होता है एल एच डी मतलब राइट हैंड लेफ्टिव और आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव यही होता है ठीक है तो अमूमन किसी भी क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे आर एच डी निकाल के और सोल्व करने लग जाएंगे ओलाइट right? तो एल एच डी आपको याद है भाई एल एच डी क्या होता है एल एच डी होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एच और आर एच डी निकालने जाऊंगा तो आर एच डी मेरा होता है लिमिट एच टेंड बाई एच यही होता है अगर ये दोनों निकाल के बराबर आ गए फाइनाइट और बराबर आ गए तो हम बोलते हैं डिफ्रेंशियबल है वरना नहीं है राइट right? अब ये काम मेरे को एक बार तो किसके लिए चेक करना है जीरो के लिए और एक बार किसके लिए चेक करना है पाई के लिए इस पूरे फंक्शन के लिए ठीक है तो ऑफकोर्स आई कैन डू इट द कन्वेंशनल वे एंड अप्लाई ऑल दिस एंड डू लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा मैंने क्या कहा आज हम डिफरेंटली करने वाले हैं हम ये देखने वाले एग्जाम में कैसे फटाफट किया जाता है तो इसकी बहुत सिंपल सी और बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें तो तुम्हें क्या है ऑब्जर्व करना है कि तुम्हारे पास तीन फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है राइट एंड वेन यू हैव प्रोडक्ट फंक्शन तो सबसे पहली चीज जो नोट करनी है वो ये करनी है कि मॉड फंक्शन और मॉड फंक्शन हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे डिफ्रेंशियबल नहीं होता क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे उसके अंदर वाला नंबर जीरो हो रहा हो जैसे ये मॉड फंक्शन है इसके अंदर वाला नंबर कब जीरो होगा जब एक्स पाई होगा इसका मतलब ये पाई पे नहीं है दिस इज नॉट रिमेंबर दिस इज नॉट ठीक है तो नॉट एट पाई सिमिलरली इस वाले को आप देखोगे तो इसमें इसको जीरो नहीं करना है किसको जीरो करना है मॉड के अंदर वाले नंबर को जीरो करना है मॉड के अंदर वाला नंबर जीरो कब होगा जब जीरो आएगा यानी ये जीरो पे डिफरेंशियबल नहीं ठीक है थीके? इसको देखोगे इसको देखोगे तो ये साइन के अंदर मॉड मौ, एक्स है मॉड एक्स कहां पे जीरो होगा जहां पे एक्स जीरो होगा तो ये भी जीरो पे डिफरेंशियबल मतलब कुल मिला के ये बात निकल के आती है कि भाई ये जो पूरा फंक्शन हमें दे रखा है ये अदरवाइज तो डिफरेंशियबल है लेकिन कहां डिफरेंशियबल नहीं हो सकता प्रोबेबली जीरो और पाई पे इसीलिए ऑप्शंस में तुम्हें दिख रहा है जीरो और पाई है सिर्फ ठीक है तो ये तो मुझे देखते ही समझ में आ गए या तो जीरो या पाई होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा ठीक है अब अब कैसे पता लगाएंगे अब अगर थोड़ा सा इस फॉर्मुले पर ध्यान दोगे चलो मैं एक लिख के दिखाता हूं तुम्हें खाली एक लिख के दिखाऊंगा फिर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है तो मैं पहले चेक कर रहा हूं लेट्स चेक एट एक्सटेंड्स टू पाई पाई पे चेक करते हैं चलो ठीक है तो पाई पे मैं एल एच डी निकाल रहा हूँ जस्ट थिंक ऑफ इट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इस एक्स की जगह क्या रखना है पाई तो क्या आएगा एफ ऑफ पाई माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई डिवाइडेड बाई माइनस एच इज लेट्स प्लग इन द वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अच्छा एफ ऑफ पाई माइनस एच मतलब इस पूरे में फंक्शन में एक्स की जगह पाई माइनस एच रखना है तो देखो यहां क्या आएगा क्या आएगा? इसकी जगह पाई माइनस एच माइनस पाई तो मॉड ऑफ माइनस एच आएगा ठीक है इधर यहाँ पे क्या आएगा इस एक्स की जगह पाई माइनस एच तो ई की पावर मॉड ऑफ पाई माइनस एच ठीक है और ठीक है? फिर यहाँ पे भी इस मॉड एक्स में एक्स की जगह पाई माइनस एच तो साइन ऑफ मॉड ऑफ पाई माइनस एच ये ठीक है अच्छा माइनस में क्या आता है फिर एफ ऑफ पाई एफ ऑफ पाई तुम्हें दिख रहा है जीरो क्योंकि जैसे ही मैं एक्स को पाई रखूंगा तो पाई माइनस पाई जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म जीरो की वजह से जीरो आएगा ओवरऑल तो ओवरऑल माइनस क्या आएगा जीरो डिवाइडेड बाय कितना आएगा माइनस एच यही डेफिनेशन होती ठीक है ना यहां तक खाली एक चीज ऑब्जर्व करनी है ये पूरा मैं सॉल्व नहीं करने वाला ठीक है ना मैं इसके आगे सॉल्व करूंगा अब तुम खुद देखो एक चीज बस खाली मॉड हटा देता हूं उसके बाद अपने आप समझने तो तो की कोशिश करो। लिमिट क्योंकि पाई माइनस एच तो पॉजिटिव हुआ ना एच तो जीरो पे टेंड कर रहा है तो ये क्या आएगा ई की पावर में पाई माइनस एच मॉड हटा सकते हैं ठीक है माइनस कितना है वन इधर भी मॉड हटा सकते हैं तो साइन ऑफ कितना पाई माइनस एच ठीक है माइनस जीरो तो गया और अपॉन में कितना है माइनस एच यहां तक ठीक है क्या क्लियर हो गया अब ये ध्यान से देखो ये एच से एच कट गया अब उसके बाद जैसे ही तुमने यहाँ पे एच को जीरो रखा जैसे ही तुमने यहाँ एच को जीरो रखा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्योंकि एच को जीरो रखते ही साइन पाई साइन पाई जीरो होता है इसका मतलब ये कुछ भी आ रहा हो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट जीरो आएगा कि नहीं आएगा सो दैट मीन विल गेट एल एच डी एस जीरो हुआ क्या अल्टीमेटली क्या हुआ मैं क्यों समझाना चाह रहा था मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये जो तीन फंक्शन मेरे पास थे ठीक है मेरे डाउटफुल पॉइंट कौन से हैं? जीरो और पाई ठीक है अब ध्यान से समझो पाई पे पाई पे ये वाला जो फंक्शन है पाई पे ये वाला जो फंक्शन है वो जीरो हो जाता है ठीक है ये वाला फंक्शन बिकम्स जीरो राइट ऑब्वियसली बिकॉज जीरो इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट ये वाला जो फंक्शन है वो बिकम्स जीरो एट जीरो दिस फंक्शन एट जीरो एक्स को जीरो रखा तो ई की पार जीरो, जीरो, जीरो है. है? अच्छा, well साइन जीरो भी जीरो होता है साइन पाई भी जीरो होता है तुम समझ रहे हो मेरी बात ठीक है अब ये सब क्यों लिखा मैंने जीरो 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 क्यों लिखा क्योंकि इस वाले पार्ट पे ध्यान दो जब भी तुम ये दोनों लिमिट निकालने जाओगे तो इस पार्ट में हमेशा जीरो ही आएगा क्योंकि इस फंक्शन में तुम जीरो डालो या पाई डालो कोई ना कोई तो जीरो हो ही जाएगा जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। पाई डालोगे तो ये भी जीरो मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये वाला वो हमेशा जीरो आएगा इसका वाला ये वाला हिस्सा लिखने की जरूरत ही नहीं तो हमेशा दिस अपॉन एच आएगा समथिंग या तो माइनस एच या प्लस एच आर एच डी लिखोगे तो प्लस एच एल एच डी लिखोगे तो माइनस एच राइट अब दूसरा पॉइंट समझो दूसरा पॉइंट क्या है कि जब तुमने अभी जैसे मैंने पाई पे निकाली तो पाई पे निकालते वक्त क्या हुआ भाई ये वाला टर्म इससे कट गया राइट ये वाला इससे कट गया और ये वाला जीरो बन गया क्यों बन गया क्योंकि वो इसका कारण ये रहा क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है पाई। इस से ये जीरो आर एच डी में भी सेम काम होने वाला है ओनली डिफरेंस इज यहां माइनस की जगह प्लस आ जाएगा बट हाउ डज दैट मैटर आंसर तो जीरो आने वाला है इसका मतलब पाई पे डिफरेंशिएबल हो गया क्योंकि आर एच डी भी जीरो आएगी जीरो नो साइन राइट आर एच डी भी जीरो आएगी ये तो दिख गया अब साफ ही अब अगर यही चीज मैं पाई पे कर रहा जीरो पे कर रहा है ठीक पे, पे, है तो ये जो मॉड ऑफ माइनस एच आया ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जरा बताओ यहाँ पे एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखा क्या आ गया माइनस एच माइनस पाई आ गया मतलब मॉड ऑफ माइनस एच माइनस पाई आ गया ठीक है भाई राइट right? इधर मैंने जीरो माइनस एच रखा तो ई e की पार माइनस ऑफ एच का मॉड माइनस वन आ गया ठीक है और इधर मैंने X की जगह डिवाइडेड बाय कितना नो नीड ऑफ राइटिंग दिस जस्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है जो देख पा रहे हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं माइनस जीरो आएगा ना इसलिए वो मैंने नहीं ठीक है

जैसे ही एच को जीरो पे टेंड कराओगे तो ये वाला जो टर्म है ये वाला ये ई वाला ये पूरा जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा इसका मतलब फिर मुझे एक जीरो मिल गया पहले मुझे जीरो कौन दे रहा था ये दे रहा था अब मुझे जीरो कौन दे रहा है ये दे रहा है तो हमेशा मेरे को एक ना एक जीरो मिलेगा ना तो ये लिमिट भी जीरो पे जाएगी और सिमिलर रीजन से आर एच डी भी जीरो पे जाएगी क्योंकि जीरो का कोई साइन नहीं तो तुम समझे इस क्वेश्चन में ओवरऑल क्या मैजिक हुआ ओवरऑल मैजिक हुआ ये सब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे सिर्फ ये समझना था कि जहां पे ये परिफरेंशियबल नहीं है जहां पे ये पर नहीं है पाई पे वहां पे ये जीरो है बेसिकली जहां पे एक डिफरेंशियबल नहीं है वहां पे मेरे को दूसरा एक जीरो मिल जाना चाहिए ठीक है तो जहां पे ये डिफ्रेंशियबल नहीं है वहां पे ये जीरो मिल गया राइट जहां पे ये डिफ्रेंशियबल नहीं है कहां पे नहीं है ये जीरो पे वहां पे ये जीरो है ये पूरा टर्म जीरो है और जहां पर नहीं है कौन सा वाला ये पूरा e की जीरो हो जाएगा। तो तुम समझ रहे हो किस तरीके से उसने सेट किया। जहां पे एक नहीं है, वहां पे कोई दूसरा मेरे को जीरो मिल रहा है और जैसे ही दूसरा जीरो मिलेगा तो ये लिमिट मेरी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी आर यू गेटिंग दिस सो आई नीड नॉट सॉल्व दिस आई कैन डायरेक्टली से दैट बिकॉज एवरी टाइम फंक्शन टू जीरो प्रूव कर दिया है, हर बार लिमिट मेरी जीरो आ रही है। क्योंकि जो दो डाउटफुल पॉइंट से जीरो पे भी है डिफरेंशियबल तो उसने हमसे पूछा भाई कहाफरेंशियबल नहीं है नहीं है तो आंसर क्या है नल सेट एम टी सेट ये हर जगह डिफरेंशियबल है तो इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है इस क्वेश्चन में जीरो और पाई देखते ही आपका फटाफट आंसर दिमाग में जाएगा भी जीरो और पाई आंसर लगा देते हैं क्योंकि ये मॉड है मॉड कहाँ डिफ्रेंशियबल नहीं होता क्रिटिकल पॉइंट पे तो उसने जीरो और पाई दिया वो आंसर लगा दिया बस वही गलती होगी क्योंकि प्रोडक्ट फंक्शन दिया प्रोडक्ट फंक्शन में अगर दूसरे जीरो बन रहे हैं जहां पे पहला डिफरेंशियबल नहीं है तो फिर ओवरऑल डिफरेंशियबल हो जाएगा सो द आंसर इज ऑप्शन टू तो मैं इसको करने जाता तो मैं तो सीधा देख के ऑब्जर्व करके आंसर टू लगा देता आई विल नॉट डू ऑल दिस लेकिन जिसके लिए ये चीज नहीं है उसके लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है दिस इज नॉट रिक्वायर्ड This is not required. If you have understood what I have explained, ठीक है? Okay, make a note. Let's go to the next question. Question number 4 चलो देखो, derivative of ITF आ गया. ये JEE mains April 2019 का question है. Okay. अब इसमें ये जो x की रेंज दी होती है ना, इसको कभी भी neglect मत करना, ओवरलुक मत करना, क्योंकि इससे क्या डिटरमाइन होगा? कि इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा ठीक है तो उससे प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा right? हालांकि इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इसने सारे प्लस दिए तो पहली बात इस रेंज का कोई फर्क इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा ये पक्की बात है क्योंकि मेरे ऑप्शन सारे पॉजिटिव है अगर ऑप्शन प्लस माइनस होते तो हमेशा रेंज पे ध्यान देना क्योंकि रेंज के हिसाब से करेक्शन लगेगा करेक्शन के हिसाब से डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा ये ये ट्रिक याद रखना ठीक है चलो अभी तो क्या करना है तो बहुत आसान क्वेश्चन है हमें क्या बोल रहा है टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ साइनएक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये है ठीक है और इसका डेरिवेटिव हमें विद रेस्पेक्ट टू क्या निकालना है एक्स बाय टू निकालना है ठीक है अब आई का जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा tan इनवर्स का फॉर्मला लगा दिया डेरिवेटिव का आपको पता है भाई d इनवर्स का वन वन प्लस होता है लेकिन ये नहीं कि ये आता है तो फट से ये लगा दिया फिर u बाई वी लगाया बहुत लंबा हो जाएगा नहीं करना हमेशा पहले कोशिश करो कि आई हट जाए आईटीएफ हटने के लिए क्या यूज करना है सब्सटीट्यूशन या तो सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे या फिर सिंप्लीफिकेशन यूज करेंगे ठीक है सिंप्लीफिकेशन मतलब जो आई के फॉर्मले पढ़े तुमने उनमें से कोई लाने की कोशिश करोगे, ठीक है सो सब्सिट्यूशन या सिंप्लीफिकेशन यूज करना हमेशा ITF के question में, ये याद रखना, ठीक है है? भाई? अब देखो एक चीज साफ मुझे नजर आती है, कि बाहर है तो मेरे को अंदर क्या लाना है? लाना है ताकि है, ये साइन कॉस्ट को किस में बदलना है टेन में तो उसके लिए मैं किससे डिवाइड करूंगा से. So, divide तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स ये ठीक है माइनस कॉसेक्स अपॉन कॉस एक्स इज वन ठीक है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स एंड कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इज वन सो कैन वी राइट दिस इज क्लियर? सो टेन इनवर्स क्या आ गया टेन एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स प्लस वन ये ठीक है अब अगर अब ये चीज देखते ही ये चीज देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एकदम दिमाग में घूमने चाहिए ठीक है ऐसे याद रहो वन माइनस टेन एक्स बाय प्लस एक्स ये याद आना चाहिए ये -X होता है और ये मेरे को दिख रहा है कि उसका नेगेटिव है इस पूरे का नेगेटिव ये है इसका मतलब ये ऑफ माइनस एक्स होगा या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि टेन एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स प्लस वन मतलब मैंने ऊपर नीचे साइन बदल दिया ऊपर साइन बदल दिया ठीक है ऊपर साइन बदलने की वजह से यहाँ क्या आएगा माइनस लेकिन टेन तो माइनस को अंदर ले जा सकता है तो अगर मैं अंदर माइनस डाल दू तो ये एक्स माइनस फाइव बाई फोर हो जाए सो कैन वी से दिस क्या इससे ये बात बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं ना भाई ये माइनस मैंने यहां से हटा के यहां लगा दिया और यहां लगाते ये माइनस अंदर ले लिया अंदर ले लिया तो ये साइन चेंज हो गया बस तो हो गया मेरा काम खत्म इसको मैंने क्या लिखा टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई फोर आर वी ओके विद ना एसूर एस यू राइट दिस तो आपको टेन इनवर्स ऑफ टेन दिख गया तो ये तो पूरा रिमूव हो गया रिमूव हो गया मतलब हमेशा रिमूव नहीं होगा लेकिन इस क्वेश्चन में हो गया क्यों क्योंकि उसने रेंज में प्लस माइनस कहीं दिया ही नहीं है बाकी तो मैं हमेशा चेक करूंगा कि भाई ये जो नंबर है ना मेरा ये वाला वो हमेशा मेरी रेंज में है कि नहीं ये चेक करूंगा इसकी रेंज में है कि नहीं तो यहाँ पे ऑफकोर्स रेंज में होगा तभी उसने माइनस ऑप्शन नहीं दिया देखो एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है जीरो से फाइव बाई टू लेकिन हमेशा चेक करना चाहिए ठीक है इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्योंकि ऑप्शन में नेगेटिव नहीं है एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू फाइव बाई टू है तो एक्स माइनस फाइव बाय फोर कहां पर बिलोंग करेगा

और अब तुम्हें इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियट करना है x तो मैं क्या करूंगा y का डिफरेंसिएशन लिखूंगा y डैश और z का डिफरेंसिएशन लिखूंगा z डैश दोनों को डिवाइड कर दूंगा फंक्शन को दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है दोनों का डेरिवेटिव डिवाइड कर दो ठीक है तो अब आप देखो इस फंक्शन को पहले क्या कर लो डिफ्रेंशिएट तो क्लियरली इस एक्स माइनस फाइव बाई फोर का डिफरेंसिएशन कितना आएगा वन आएगा ठीक है और फिर इधर ये जो x बाय टू था जो दूसरा फंक्शन उसको भी क्या कर लो डिफ्रेंशिएट कर लो तो इसका डिफरेंसिएशन हाफ आएगा ठीक है और फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे डिवाइड तो डिवाइडेड इज सो ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए क्वेश्चन नंबर फाइव जेई भाई अब क्या बोल रहा है फंक्शन एफ उसने डिफाइन किया पीस वाइज माइनस वन से वन में ये फंक्शन है वन से थ्री में ये फंक्शन है थ्री से फोर में ये फंक्शन है ठीक है एबीसी तीन अन फिर उसने बोला इट इज कंटिन्यूस कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है लेकिन उसमें डिफ्रेंसिएशन भी है इसलिए यहां पे लिया है उसको इज कंटिन्यूस फॉर सम ए बी सी बिलोंगिंग टू आर एंड एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश टू कितना है ई e. तो आपको ए निकालना है ए निकालना है तो जो कांस्टेंट ए था वो निकालना है अनोन्स कितने तीन ए बी सी उसमें से तुमसे ए पूछा है उसने सबसे पहली चीज जो वो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है अब भाई साफ दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है वो तो कंटिन्यूस है ये अपनी डोमेन में कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ई e की पावर तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है ठीक है फिर ये वाला फंक्शन ये भी अपनी डोमेन में कैसा है कंटिन्यूअस क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है और ये वाला फंक्शन ये भी अपनी डोमेन में कैसा है कंटिन्यूस क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है इसका मतलब चेंज ओवर पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूस हो सकता है तो डिसकंटिन्यूस कहां हो सकता है एक तो वन पे ठीक है और एक थ्री पे इसके अलावा कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता तो मेरे को दो जगहों पे, तो तो पे, तो मतलब पे ध्यान तो से देखूंगा अच्छा यहाँ पे लिमिट का कोई फॉर्मुला लगाने का कोई मतलब ही नहीं आ, तो सीधा सीधा वैल्यू ही लिमिट है क्योंकि इन सब की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनाइट नंबर आ रहा है तो इसलिए डायरेक्टली इट इज द लिमिट ठीक है तो अगर आप एल एच एल लोगे मतलब यहां पे इस फंक्शन में एक्स को क्या प्लग इन करना है वन रख दो कितना आया देखो लिमिट ये आया ए प्लस बीई की पावर माइनस वन और आई कैन राइट ए कैन बी राइट दैट सो दैट मीन्स एल एच एल आ गई मेरे पास वन पे ए प्लस बी बाई ठीक है अब मैं जा रहा हूँ आर एच एल पे आरएचएल का मतलब समझ गए आरएचएल का मतलब मेरे को किधर जाना है भाई वन से ज्यादा वन से ज्यादा इधर आएगा कि नहीं आएगा वन से ज्यादा इधर आएगा क्योंकि यहाँ एक्स वन से बड़ा है One से बड़ा है, मतलब यहाँ पे एक्स को क्या प्लग इन करना है को रखा तो क्या लिमिट आई सी ठीक है, so C. This, क्योंकि उसने बोला है, है. तो कंटिन्यूस मतलब e e तो एक तो इक्वेशन ये आ गई मेरे पास ये क्लियर हो गया दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच आई गेट ठीक है अब आ जाओ दूसरे चेंज ओवर पॉइंट पे विच इज थ्री अब थ्री पे भी मैं पहले क्या देख लेता हूं एलेचेन टू थ्री क्या ले लेंगे पहले एल एच एल ठीक है एल एच एल का मतलब इस वाले फंक्शन पे यहाँ पे आएंगे हम इधर आएंगे क्योंकि यहां पे एक्स थ्री से छोटा है थ्री से छोटा है तो यहाँ पे एक्स को क्या प्लग इन करेंगे 3. X को 3 रखा तो का 9, 9 C, 9C. So 9C. RHL. RHL का स्क्वायर सो इज इज इट नाउ गो टू मतलब तुम फंक्शन इधर जाओगे इधर जाओगे क्योंकि एक्स यहाँ पे थ्री से बड़ा है थ्री से बड़ा है तो यहाँ पे एक्स को क्या प्लग इन करोगे थ्री थ्री रखोगे तो ये थ्री का स्क्वाइन ए एक तो क्या आया नाइन ए और यहाँ थ्री रखोगे तो थ्री इंटू टू सी सिक्स सी सो प्लस सिक्स आया तो ये जो नाइन ए प्लस सिक्स नाइन सी के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है सो नाइन ए प्लस सिक्स टू नाइन सी राइट मी शिफ्ट सिक्स ए इक्वल टू थ्री सी सो दैट दीन्स सी इक्वल टू थ्री अब हमें बी क्वार्ट है तो वो यहां से हट जाएगा क्योंकि यहां पे हमें ए सी और बी में रिलेशन पता है तो पहले उसको यहां से हटाई देते हैं ठीक है तो यहां पे सी को क्या प्लग इन कर रहा हूं मैं थ्री ए तो सी को मैंने रखा थ्री ए इज इक्वल टू ए यहां तक ठीक है All right. अब यहां से से मेरे मेरे पास क्या आ गया को निकालना है बी सो आई विल गेट बी जाके ए कॉमन ले लिया तो बचा थ्री माइनस ई e. इसमें और इसमें ए कॉमन ले लिया बचा थ्री माइनस ई और इस ई e को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी दैट आई गेट आई गेट ओके विद वैल्यू बी एज वेल इन ऑफ ए पास बी भी आ गया सी भी आ गया तो दोनों को जो हटाने का काम था वो तो हो गया लेकिन अब हटा के किसी में रखना भी तो पड़ेगा तो उसके लिए उसने वो तीसरी इक्वेशन ये वाली कंडीशन दी है भाई f -0 plus f ठीक है? अब देखो आप f डैश जीरो कैसे निकालोगे F डैश जीरो का मतलब तुम्हें समझ में आ गया डेरीवेटिव ऑफ फंशन एट जीरो अब जरा देखो जीरो किधर आ रहा है सबसे पहले ढूंढो जीरो कौन सी डोमेन में आ रहा है तो जीरो इस डोमेन में आ रहा है और वो बीच में आ रहा है ठीक है चेंज ओवर पॉइंट पे नहीं आ रहा चेंज ओवर पे आ रहा होता तो डिफरेंशियबल नहीं है वो वाली कंडीशन आती लेकिन बीच में आ रहा है तो डिफरेंशियबल तो ये है ही भाई ये जो भी फंक्शन है वो इंडिविजुअल डोमेन में तो डिफरेंशियबल फंक्शन है ठीक है क्योंकि एक्सपोनशियल फंक्शन डिफरेंशियबल होता है तो इसका मतलब मेरे को सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देना है सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन नाउ सपोज करो मैं पीस वाइज ही डिफरेंशिएट कर लू इसको ठीक है तो अगर मैं इस वाले पीस का डिफरेंशिएशन करूं तो ए तो कांस्टेंट है और ई एक्स का ई एक्स ही होता है इधर बी कॉन्स्टेंट है और ई माइनस एक्स का माइनस ई माइनस एक्स होता है तो माइनस बी ई माइनस एक्स हो गया मतलब जब मेरे को जीरो पे डेरिवेटिव चाहिए तो मेरे को ये वाला यूज करना पड़ेगा ना क्योंकि इस रेंज में मेरा जीरो आता है तो ये मेरा तब है जब एक्स मेरा माइनस वन से वन के बीच में कुछ भी हो तब तो मैं ये यूज कर लूंगा माइनस वन से वन के बीच में कुछ भी रख लो मैं ये यूज करूंगा ठीक है दूसरा वाला पीस देखो सी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो टू सी एक्स आ गया ये कब यूज करूंगा मैं जब भी मेरा एक्स वन से थ्री है जब भी मेरा x वन से लेके थ्री के बीच में तब मैं ये यूज कर लूंगा और क्लियरली देख लो यहाँ पे एफ डैश ऑफ टू पूछा है उसने तो वन से थ्री के बीच में टू आता है तो एफ डैश टू तो मैं यहां से उठाऊंगा और एफ डैश जीरो वाला यूज करना है राइट ये वाला यूज करना है उसमें एक्स को क्या रखना है जीरो एक्स को जीरो रखा तो ए e की पावर जीरो माइनस बी ई e की पावर जीरो सो दैट इज ए माइनस बी क्योंकि ई e की पावर जीरो वन होता है ये ठीक है एंड वॉट अबाउट एफ डैश ऑफ टू एफ डैश ऑफ टू के लिए आपको ये यूज करना है क्योंकि यहाँ पे आपका टू आ रहा है राइट right? तो यहाँ पे एक्स को क्या प्लग इन करना है 2. तो 2 2C. 2C so, okay सी तो दुश्मन है सी को हटाना तो सी को थ्री है यहाँ लिख दिया तो ये ट्वेल्व हो गया ये ट्वेल्व हो गया गॉट इट सो नाउ वट इज गिवन टू यू एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश टू इज इ प्लग इन द वैल्यूज ठीक है तो प्लगिंग इन द वैल्यूज डू वी गेट इज ए माइनस बी

तो इसमें से और इसमें से ए कॉमन आ रहा है सो लेट्स टेक ए कॉमन ए कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचा थर्टीन माइनस यहां क्या बचा थ्री इंटू e. ये ठीक है और ई e इंटू e कितना हो गया? ई e तो, e e. तो भैया ए की वैल्यू कितनी आई ई अपॉन ई स्क् माइनस थ्री ई प्लस थर्टीन ई अपॉन ई स्क्तर माइनस थ्री ई प्लस थर्टीन विच इज ऑप्शन फोर